छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के लिए जिसमें नाप के लिए राजस्व विभाग SGM शीतल बंसल, तहसीलदार परमेश्वर मंडावी अधिकृत है, जो गंजपारा में कब्जे हटवाने और सड़क किनारे के पेड़ कटवाई का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके लिए आधे घंटे तक आवागमन बंद किया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स की शिकायत में नेशनल हाईवे क्रमांक 930 निर्माण थे। इंजीनियर ने कहा कि रोड से दोनों तरफ 40-40 फीट नाप ले लिया गया है, अब अलग अलग नाप हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तय मानकों के अनुसार नाप नहीं दिया जा रहा। विद्युत अधिकारी ने बताया कि पोल की शिफ्टिंग के बाद नए ट्रांसफॉर्मर भी लगाए जाएंगे। देखिए, एनएच वाले उसको मापदंड किए हैं, एनएच वाले क्या है, सेंटर से 10.8 मीटर तक उनका काम चला, उसके बाद 10.8 मीटर के बाद वो जो जगह है उसमें नीचे की नाली बनना है और हमारी पोल शिफ्टिंग होना है। और एनएच क्या है, जितने जल्दी वो लोग करेंगे उतनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा, जितने जल्दी वो लोग जगह उपलब्ध करा देंगे उतने जल्दी वो पोल शिफ्टिंग का काम होगा। 10.8 मीटर तो लोग नाप के दिए हैं ना, एनएच वाले नाप के दिए हैं, नापने के बाद उसको हमारा उनका जो कॉन्ट्रेक्टर है पोल सेटिंग करने का वो काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 930 का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसमें प्रारंभिक चरण में अभी सड़क का चौड़ीकरण के लिए सीमांकन कार्य किया जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर राजस्व विभाग एवं यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है मिली भगत के करके यहाँ पर जो 80 फीट के जो सीमांकन जो किया जाना है उसको कहीं 72 फीट कहीं 75 फीट करके मिली भगत करके उसमें इस रोग जो सुनिश्चित रोग बनना चाहिए उसमें पलीता लगा रहे हैं।